वेलकम टू ओरिजिनल इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं हेमंत धाकड़ आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और ओरिजिनल इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पशु पालन विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जो आपके जेट ICER BHU में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में एक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। और गाइस, ये है पार्ट नंबर 3 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो हमने बाकी के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की बात कर चुके हैं, और उसके अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर एग्रोनॉमी और पार्ट नंबर 2 के अंदर हॉर्टिकल्चर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब बारी है पार्ट नंबर 3 की, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में पशुपालन विज्ञान क्या होता है। भाई पशुपालन विज्ञान, आइए जानते हैं पशुपालन विज्ञान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पशुपालन विज्ञान क्या होता है। तो एग्रीकल्चर की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत, अरे भाई किसके अंतर्गत, अरे एग्रीकल्चर की शाखा के अंतर्गत पशुओं को पालने का वैज्ञानिक ढंग से, किसको पालने का, पशुओं को पालने का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, अर्थात वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुओं को पाला जाता है, और वो भी कैसे, वैज्ञानिक ढंग से। तो इसे क्या कहा जाता है गाइस, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICER BHU मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन ही बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इनको ज़रूर पढ़ के जाना, और बाकी के जो 2019-20 के जो पेपर है पिछले साल के एग्ज़ाम जेट के, तो उन्हें भी आप ज़रूर पढ़ लेना गाइज। तो हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICER BHU वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन ए है बुबेलिस बुबेलिस, ऑप्शन बी है बोस इंडिकस, ऑप्शन सी है केप्रा हिरकस, और ऑप्शन डी है ओविस एरिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गाय का जो जूलॉजिकल जो नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो क्या होता है आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोस इंडिकस। तो गाइस, इंडिया की गाय को, मतलब देसी जो गाय होती है उसका नाम क्या है, बोस इंडिकस। और अगर हम बात करते हैं विदेशी गाय का, तो उसका है होता है बोस्टोरस। और अगर बात करें ये बुबेलिस बुबेलिस क्या है, तो गाइज ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और अगर बात करें केप्रा हिरकस, तो ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। और अगर बात करें ओविसेरिस, तो ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। और गाइज, अगर बात करें ऊँट की, तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस डोमेस्टिकस। और अगर बात करें डबल कूबर्ड, मतलब डबल हम्ड वाले ऊँट की, तो उसका होता है कैमेलस बैक्टीरियन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो निम्नलिखित में से ऊँट की गर्भकाल अवधि होती है, जो ऊँट होता है उसकी गर्भकाल अवधि क्या होती है, कैमल की गर्भकाल अवधि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 500 से 540 दिन की, और ऑप्शन बी है 410 से 440 दिन की, ऑप्शन सी है 390 से 410 दिन की, ऑप्शन डी है 280 से 310 दिन की। और बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपको राइट आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 390 से 410 दिन ऊँट की गर्भकाल अवधि मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो निम्नलिखित में से भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है गाइज, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर मटन, ऑप्शन बी है चेवन, ऑप्शन सी है बफन, ऑप्शन डी बीफ। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं और जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पर मटन, ऑप्शन बी चेवन, ऑप्शन सी बफन, ऑप्शन डी बीफ। तो फ्रेंड्स अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटन, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है गाइस, मटन। और बात करें ऑप्शन नंबर बी की चेवन के मांस को, तो बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। किसके मांस को चेवन कहा जाता है, तो बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। बफन किसके मांस को कहा जाता है गाइस, तो बफन जो है वो भैंस के मांस को कहा जाता है। बात करें बीफ के मांस को, बीफ किसके मांस को कहा जाता है, तो ये गाय के मांस को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो निम्नलिखित में से बकरी में बच्चा देने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है काविंग, ऑप्शन बी है लैम्बिंग, ऑप्शन सी है किडिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडिंग कहा जाता है। बकरी में बच्चा देने की जो क्रिया है उसे किडिंग कहा जाता है। बात करें काविंग क्रिया क्या होती है, तो गाय और भैंस में बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहा जाता है। और अगर बात करें मैथुन क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे सर्विंग कहा जाता है। और लैम्बिंग किस में कहते हैं, तो लैम्बिंग में लैम्बिंग कहते हैं भेड़ के अंदर बच्चा देने की क्रिया को। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की, तो निम्नलिखित में से भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है गाइस, भेड़ का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हर्ड, ऑप्शन बी है कारवा झुंड ट्रेन, ऑप्शन सी है फ्लॉक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लॉक, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हर्ड की, तो गाय व भैंस के समूह को हर्ड कहा जाता है। और अगर बात करें कारवा झुंड ट्रेन, तो ये ऊँटों के समूह को कहा जाता है। और फ्लॉक बकरी के समूह को भी फ्लॉक कहा जाता है, भेड़ और बकरी के समूह को। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो आप सभी को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय फ्रेंड्स।